हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिज़ाइनिंग ट्यूटोरियल्स। इसके पिछले लेसन में हमने सीखा है कुछ फोटो इफेक्ट्स के बारे में। आज हम उसी लेसन को आगे बढ़ाते हुए कुछ और इफेक्ट्स के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हमें एक इमेज इंपोर्ट कर लेते हैं। सपोज दैट मैं इस इमेज को ले रहा हूँ, आप इसे क्रॉप भी कर सकते हैं। हमने इसे यहाँ से क्रॉप कर दिया है। आप इसके लेयर को ओपन कर दीजिए एंड देन इसका डुप्लीकेट लेयर बना लीजिए। मैं इसका नेम दे रहा हूँ ए। देन एक और लेयर डुप्लीकेट बना लीजिए, सपोज दैट मैं इसका नाम दे रहा हूँ बी। अब आप लेयर जीरो को, जो इसका रियल लेयर है, आप उसे ऑफ कर दीजिए। अब आप किसी एक इमेज पे ही काम कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, अब हम इसमें कुछ और इफेक्ट्स का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके ब्राइटनेस को बढ़ा लेते हैं। बढ़ाने के लिए कंट्रोल एल, देन इसके लेवल से आप इसके ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा डार्क लग रहा हो इमेज, तो आप इसका ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं। ब्राइटनेस बढ़ाने के बाद में आप फिल्टर, अदर एंड देन हाई पास, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये आपका इमेज का जो बैकग्राउंड है वो पूरी तरह से ब्लर हो जाएगा एंड देन इसमें कुछ लाइटिंग इफेक्ट्स भी आ जाते हैं। आप इसे क्लिक कर लीजिए एंड देन एडजस्टमेंट्स, आप यहाँ कलर बैलेंस में जा सकते हैं। हमने इसके रेड को बढ़ा दिया है। आप इस कलर बैलेंस में जो भी ऑप्शन है उसमें क्लिक करके अपने अकॉर्डिंग इस इमेज को एडजस्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा ये इफेक्ट पूरा हो चुका है। अब आप इसके लेयर, ओरिजिनल लेयर को आप ओपन करके देख सकते हैं। अब आप इसे कैनवास साइज को बढ़ा दीजिए। तो फ्रेंड्स, हमारी ये एडिटिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हैं एडिटिंग के पहले ये इमेज कुछ इस तरह से था, बट एडिटिंग के बाद इसकी इमेज की लुक पूरी तरह से चेंज हो गई है। तो आप इसको और भी अच्छी तरह से एडिट कर सकते हैं। इसके और भी कई सारे ऑप्शंस हैं जिसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट लेसन में बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।